वो कलर अपने हाथ में रखकर दफ्तर वहां रख दीजिए और बैठ जाइए अपनी जगह पर। हाँ, बैठ जाइए। जो नहीं लाए हैं चिंता मत करिए, ठीक है? जो नहीं लाए हैं उनका कोई वांधा नहीं, वो भी दफ्तर वहां रखकर यहाँ बैठिए। दफ्तर सब वहां रख दो अभी। चलो बस, दफ्तर अभी रखे नहीं, दफ्तर रख दो। चलो दफ्तर रख दो और कलर लेकर बैठो। कलर अपने पास रखो, कलर है? हाँ, कलर अपने पास रखो। चलो बेटा, देखिए ये तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? लाओ तो नोट लाओ तो। बेटा एक मिनट यहां ध्यान रखो, अभी यहां ध्यान रखो। किसी को भी ऐसी नोट चोपड़ी अपने पास रखनी है नहीं, दफ्तर में रख दो सब। सिर्फ कलर अपने पास रखना है और कुछ भी नहीं। मैं यहां से तुम्हें कागज दूंगा, वो कागज में तुम्हें कलर पूरना है। चले, क्या समझे? क्या समझे? तो सिर्फ कलर लेकर बैठिए, बाकी का दफ्तर नोट चोपड़ी पेंसिल जो भी हो वहां रख दो, सिर्फ कलर लेकर बैठो। सिर्फ और सिर्फ कलर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बेटा दफ्तर रख दो यार, अलग अलग मैं थोड़ी ना बोलू। अरे ना हो तुम दफ्तर तो रख दो, दफ्तर तो रखो। बेटा तुम देखो अभी तक बैठे रहे, चलो सब चीजें रख दो वहां, जाइए जाओ बेटा, जाओ बराबर जाओ, रखो यहां। देखो ये चोपड़ी क्यों बाहर रखी तुमने? टेका माटे रख, बांधो नहीं। चलो यहां से बैठना शुरू करो, ऐसे गोल होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ यहां से। जिनके पास कलर नहीं है वो यहां बैठिए, जिनके पास कलर है वो यहां बैठिए। जिनके पास कलर है वो यहां बैठिए, जिनके पास कलर नहीं है वो यहां बैठिए। बस नहीं है वो यहां बैठिए, और है जिनके पास है कलर वो यहां बैठिए। हाँ एक मिनट, कलर है इस बाजू आ जाओ, तुम्हारे पास है? चलो इस बाजू आ जाओ। बेटा तुम्हें इधर खसको, ऐसे खिसको, हाँ ऐसे खिसको। चलो बेटा हम खसो, और छुट्टे छुट्टे बैठो, थोड़े पीछे खिसक के, बेगे बेगे नहीं बैठना है। देखो अभी और तुम एक दूसरे के क्यों पास बैठे हो? सना एक दूसरे के पास क्यों बैठे हो? छुट्टे छुट्टे बैठो, दूर दूर बैठो बस। तुम्हारे पास है कलर, तुम्हारे पास पीछे खिसको। तुम्हारे पास कलर है यहां बैठो। तुम्हारे पास है, और किसके पास कलर है? तुम्हारे पास, तेरे पास कलर है? नहीं है तुम्हारे पास? तेरे पास है ना बेटा कलर? चल तुम यहां आ जाओ। क्या हुआ? हाँ चलो तुम यहां बेटा आ जाओ, यहां आ जाओ, तुम यहां आ जाओ, यहां बैठ, यहां यहां ऐसे गोल 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 गोल, तुम इसके बाजू में आ जाओ, इसके बाजू ऐसे गोल। यहां दो गोल करते हैं आज बराबर, एक यहां एक यहां, ऐसे दो गोल करते हैं अहिया जाकर। बस तुम्हारे पास है ना कलर? तुम्हारे पास कलर है ना? चलो मैं एक एक चित्र दे देता हूं आपको, एक एक चित्र में आपको ऐसे देता हूं, ये आपको अंदर कलर भरना है, ठीक है? बेटा तुम वहां बैठ जाओ, और पीछे खिसको बेटा, तुम आगे आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी बेटा। चलो पीछे खिसको थोड़े, हाँ लो बेटा, चलो शुरू करो। वो नाजिम कहाँ गया? तुम्हारे पास है ना कलर? लो ये ले लो, यहाँ आ जाओ, इस बाजू बैठ जाओ। थोड़ी देर बाहर, मैं अभी बुला रहा हूँ आपको, हूँ काम सबको दे दो। अरे बेटा नाजिम तू यहाँ, अरे साजिद तू यहाँ आ जा ना बेटा, यहाँ बैठ जा, पीछे खिसको बेटा थोड़ा, और थोड़े पीछे खिसको, पीछे बस। और वो चोपड़ी में बेटा कलर मत करो, मैं जो देता हूँ उसमें कलर करना है, ठीक है? लो ये ले लो, चलो कलर करना शुरू कर दो, है ना कलर तुम्हारे पास? चलो कलर करना शुरू कर दो। क्या कौन आहिल? आहिल नाम नहीं है उसका? लो अभी मैं आपको आपको भी देता हूं, कलर अभी करना है। चलो शुरू करो, शांति से बैठ के कलर करो अपने एक।
ये लड़की सबसे अच्छा कर रही है, गुलशिफा। बिल्कुल भी कलर उसने बाहर नहीं निकाले। अच्छे से कलर करो बेटा, अच्छे से कलर करो। हाँ वो थोड़ा तो निकलता है, अभी और बाकी है। चलो खत्म करो बेटा। चलो एंजल कलर करो अंदर। हाँ कोई माँ भी बच्चा में कलर करवा रहा हूँ, सब में कलर करना है, सब में कलर करो बेटा। ला बेटा जिसका हो गया मैं एक एक करके बुला रहा हूँ, ठीक है? अपनी जगह पर बैठिए। चलिए सुनो बेटा, तारू तेरा नाम क्या है? लो ये रखो, अभी मैं मांग रहा हूँ। क्या नाम बेटा? माहिरा। अरे बेटा नाम नहीं लिख पा रहा। देखिए मैंने कुछ बोला बेटा, शांति से बैठो, मैं एक एक करके बुला रहा हूँ बेटा। माहिरा, पापा का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा तेरा? बताओ तो, ऐसे कागज उठा के बताओ तो, तूने कैसे कलर करा? मैं देखता हूं कहां कलर, कहां नहीं दिख रहा। हाँ सना, तुम्हारा कलर करा है वो बताओ, तुम्हारा भी बताओ। हाँ ऐसे ऐसे कागज पकड़ के बैठो, ऐसे घुमा के बैठो, बस ऐसे, बस बताओ बताओ। हाँ भले बाकी हो, कई बात नहीं, बाकी बाकी हो रहा। तुम बताओ बताओ, ऐसे पकड़ के बैठो, पकड़ के बैठो, नहीं आज पकड़ के बैठो, हाथ में दो हाथ से ऐसे पकड़ के बैठो, वो उल्टा पकड़ा, ऐसे सीधा। हाँ बस, ताकि मैं देख सकूं, सबका कलर मैं देख सकूं। हाँ देखिए बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से कलर करा है, बराबर। मैं फोटो निकाल लूं ताकि अपने ग्रुप। चित्र देखते हैं, किसका चित्र सबसे अच्छा है वो भी देखेंगे, ठीक है? चलिए फरदीन ने देखो बेटा, लाओ जगह पर बैठो, जगह पर बैठो। फरदीन ने देखो बेटा कैसे कलर करे, देखिए उसने कलर तो ठीक करे, लेकिन और कलर करना था। हाँ ये बहुत अच्छे कलर है बेटा, ठीक है फरदीन के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा कलर करा, देखिए। हाँ ठीक है, लाओ। फिर नाम अरमान, अरमान है ना बेटा? अरमान ने कलर करा, लेकिन देखिए बाहर बहुत निकाला है कलर, बाहर बहुत निकाले। कभी कलर ऐसे बाहर नहीं निकलने चाहिए बेटा, ये तो बहुत कलर बाहर निकले। तो अब जब कलर करना हो तो कलर ठीक से करेगा, बाहर ना निकले ऐसे कलर करना है, ठीक है? पक्का समझ गए? चलो अरमान के लिए ताली बजाओ। रेनुमान, रेनुमान देखो बहुत अच्छे कलर करे, देखिए कितने अच्छे कलर करे है कि नहीं, अच्छे से कलर। रेनुमा बहुत अच्छे कलर करे, लेकिन रेनुमा को देखिए, ये बीच में जो त्रिकोण है, त्रिकोण ये त्रिकोण है, उसमें देखिए थोड़ा सा बाहर निकल गया है ना? हाँ तो अब से जब भी कलर करो तो ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, कलर अंदर ही करना है, ठीक है? ताली बजाइए रेनुमा के लिए, बहुत अच्छे। लाओ बेटा आलिया है ना, आलिया शेजाद भाई। अरे अरे अरे, इसने कलर तो करे, लेकिन देखिए कलर कैसे करे, बराबर है? आप ही बताओ कौन से कलर सही लगते, बताओ। ये बराबर है के? लाओ तो बेटा तुम्हारा लाओ तो, ये दोनों में से कौन सा कलर अच्छा लगता है बताओ?
पीछे बैठ जा मेरा, पीछे बैठ जा। ये वाला क्यों, ये वाला अच्छा है आलिया? ये वाला अच्छा क्यों है? तुम्हारा क्यों थोड़ा खराब दिखता है बताइए? कलर कैसे करना है? अच्छे से करना है, पूरे चित्र में कलर करना है, ठीक है? अंदर उसने देखो कहीं कहीं जगह पर देखो कलर बाकी रख दिए, बाकी रखे कि नहीं? देखिए ऐसे बाकी नहीं रखना है कलर, चित्र के अंदर जो भी कलर करो वो अच्छे से कलर करना है, ठीक है कि नहीं? है ना? हाँ, तो चलिए आलिया के लिए ताली बजाइए। विद्या देखो, विद्या है क्या वो कलर करियो से जो, ये लड़की आज अपने क्लास में नहीं आई है, इनो नाम विद्या से, सु नाम से विद्या। तो विद्या ने देखो कैसे कलर करा है, आप बताओ। अच्छे करे, लेकिन देखो बॉर्डर बाकी रखी है, लेकिन कलर के उसने चित्र के बीच में तो कलर करे, लेकिन देखो साइड में कलर नहीं करे। देखिए ध्यान से, जहां लीटी दो रही है लीटी के पास कलर नहीं करे, है कि नहीं? सिर्फ बीच में ही कलर करे, बीच बीच में कलर करे, तो लीटी के बाजू में भी कलर करना है, ठीक है? चलो विद्या के लिए ताली बजाओ सब, बहुत अच्छा बेटा। लो विद्या, नियाज तुम्हारा लाओ। निया तुम्हें क्या बोलना है, कोई पूछे नाम तो क्या बोलना है? मोहम्मद नियाज। हाँ देखिए नियाज की साइकिल में देखिए कैसा कलर है, अच्छा लग रहा है। लेकिन रंग बिरंगी साइकिल है, रंग बिरंगी यानी साइकिल ऐसे कलरफुल नहीं होती, कोई एक कलर की होती है, या लाल कलर की होती है या काले कलर की होती है, उसके पहिए, उसने सीट भी अलग कलर की करी, ठीक है? और कलर बहुत बाहर निकल रहे है बेटा, निकल रहे कि नहीं बाहर? नियाज तो ऐसे कलर बाहर नहीं निकालना है, ठीक है? ठीक है, चलो नियाज के लिए ताली बजाओ, सभी बच्चे ताली बजाओ, बहुत अच्छे। लाओ पीछे पीछे के बिट। हाँ माहेरा इब्राहिम भाई, देखिए इसने बहुत अच्छे कलर करे, देखिए है कि नहीं? थोड़े थोड़े कलर बाहर निकलते हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन, हाँ ज्यादा नहीं है, वो तो किसी का हाथ लग गया हो इसलिए शायद कलर बाहर निकल गए हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कलर बहुत अच्छे करे, तो बहुत अच्छे हो बेटा माहेरा, ताली बजाओ माहेरा के लिए। लो माहेरा लाओ, अर्शिन लाओ, उठ के आओ, उठ के। हाँ चलिए, हाँ अर्शिन आरिफ भाई, देखिए क्या गलत है इसमें, मुंह के आजू बाजू सिर्फ लाल लाल करा, बीच में तो करा ही नहीं है, बीच में तो बिल्कुल भी कलर नहीं करे, सब में कलर करना है, ठीक है? ताली बजाओ अर्शिन के लिए। लाओ अलीजा बताओ। हाँ अलीजा के देखिए बेटा कलर बाकी है अभी करना, हाँ चौरस बाकी है, बहुत अच्छे, और त्रिकोण भी थोड़ा बाकी, लेकिन फिर भी कलर अच्छा करती है, देखो बाहर नहीं निकाले उसने कलर, है कि नहीं? कलर बाहर नहीं निकाले, अच्छे से कलर करा है उसने, बहुत अच्छा बेटा, इसी तरह कलर करिएगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? अलीजा के लिए ताली बजाओ। लाओ आलिया खड़े होकर आओ। हाँ देखिए आमना बैठो, वहां बैठो, ये किसका कलर है आमना? ये कहां से लिए कलर, ये किसने कलर डाला बीच में, किसका है ये? इसका, इसके अंदर था कंपास के अंदर, वो है ना? हाँ रखो अपने पास, ऐसे कलर खोना नहीं है। देखिए ये रंग बिरंगी है, कहीं लाल किया है, कहीं गुलाबी किया है, कहीं केसरी किया है, ऐसे ऐसे कलर करे, ठीक है अच्छा है, बराबर बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? आमना के लिए ताली बजाओ। लाओ फलकनाश लाओ, बोलना नहीं है मुझे अब, दो अब। हाँ बैठो, देखिए फलकनाश ने कैसे कलर करे, आपको क्या लगता है अच्छा है?
अच्छा है कि बाहर निकला है, कैसा है बताओ? बाहर निकला है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? ताली बजाओ फलकनाथ के लिए, ले जाओ, खड़े होकर आना है, लाओ लाओ। एंजल नीचे बैठो, क्या लगता है बोलो, क्या लगता है बताओ? अच्छा, कोई गलती है? कोई नहीं है? किसी को लगता है इसमें गलती है? मुझे लगता है। क्या गलती है पता है? तने खबर से सुभूल से आमा नहीं, इसमें बीच बीच में देखो कलर छोड़ दिए हैं, यहां भी बीच बीच में कलर छोड़ दिए, देखो पूरे फुग्गे, पूरे पूरे फुग्गे में तुमने कलर नहीं करे, बीच बीच में सफेद सफेद दिख रहा है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है? अच्छे से करना है। हाँ, लो ताली बजाओ एंजल के लिए, लाओ गुलशिफा। सबसे अच्छा कलर मुझे ये लगा। गुलशिफा के लिए जोर जोर से ताली बजाओ, बस देखिए इतना अच्छा कलर करा है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। हाँ, सब अलग अलग कलर करे हैं, सब चित्र में कलर भरा हुआ है, बहुत अच्छा कलर है। लो, बहुत अच्छे, लाओ। चलिए अब बताइए क्या गलती है, उज्मा के कागज में क्या गलती है? व्हाइट व्हाइट है, कलर बहुत बाहर निकले है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? उज्मा, उज्मा के लिए ताली बजाओ, लाओ बेटा, खड़े होके आ जाओ बेटा, मुझे जाना है, वो बड़े सर बुला रहे हैं, आओ। अरे हाँ, भले बाकी हो, आओ। देखिए कायनात ने कलर तो बहुत अच्छे करे, बाकी है लेकिन कलर बहुत अच्छे करे, देखो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, अच्छे से कलर भी कराए है कि नहीं है ना? ताली बजाओ कायनात के लिए, लो बेटा लाओ। और ये देखिए सना का, कुछ गलती दिख रही है? थोड़ा बाहर निकला है ना? अब से संभाल के करिएगा, ठीक है? ताली बजाइए सना के लिए। और ये नाजिम साजिद के, अच्छा है लेकिन बाहर बहुत निकला है, ठीक है? ताली बजाओ साजिद के लिए। और सबसे छेले तलहा का, लड़कों में सबसे अच्छा मुझे ये लगा तलहा का, देखिए। लेकिन बाकी क्या है, बीच बीच में कलर बाकी रखे हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? पूरे कलर करना है, बराबर? चलिए तलहा के लिए ताली बजाइए। अब आपको क्या करना है, आप शांति से बैठिए, जो जिसका भी कलर बाकी है वो कलर। कौन सी टीचर है? तो तुम कपड़ा धोने यहाँ आई हो? नहीं, वाले क्या ये खाली धो लो, और क्या करूँ बोलो। क्या एक चीज शुरू करते, उसका नाम है खोया पाया। क्या है? खोया पाया। अब क्या करना है उसमें वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखियो क्या करना है, से उसका नाम है खोया पाया। खोया पाया, अब खोया पाया क्या होता है? ये खोया पाया है, अपने इसमें खोया पाया रखेंगे। अब खोया पाया क्या होता है वो मैं बताऊं, वो मैं रखूंगा यहाँ। हर रोज सुबह आकर जब तुम दोपहर में स्कूल में आओ ने, तब तुम्हें आकर मुझे बोलना है, सर वो खोया पाया का डब्बा रख दो। क्या बोलना है? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, अंदर से खोया पाया का ये डिब्बा लाकर यहाँ रख दूंगा। अब ये डिब्बे में क्या करना है, तुम्हें किसी की चीज मिलती है, मान लो किसी की पेंसिल मिलती है, किसी का रबड़ मिलता है, किसी का कुछ कंपास मिलता है, मान लो तुम अभी बाहर गए थे, बराबर पेशाब पानी करने तुम बाहर गए थे, बराबर तो वहां गए, किसी की पेंसिल मिल गई,
यहाँ मान लो कहीं चौक पड़ा है ऐसा, देखिए तो अभी ये नाजिम मुझे चौक देने आया, तो ऐसा नहीं करना। जो भी चीज तुम्हें ऐसी कुछ मिलती है वो चीज अब ये देखिए खाली हो गई, ये बिगड़े लिए, तो ऐसी चीज नहीं रखनी है। ये पेन बिगड़े ली, ऐसी बिगड़ेली पेन कहाँ रखनी है? कचरे के डब्बे में, ठीक है, लो रख दो डब्बे में, वहां है डब्बा अपना कचरे का डब्बा वहां। और तुम्हें और कोई चीज मिलती है ऐसी कोई भी चीज, तो इसमें लाके रख देनी है। किसमें रखनी है? यानी किसी की खो गई हो ऐसी चीज इसमें रखनी है, तो वो खोया और पाया यानी क्या? बस बोलो नहीं, पाया यानी क्या होता है? जैसे कि ये लड़की ने बताया यहाँ एक कलर है, ठीक है माहिरा तुमने देखा कलर, ले लो कलर। अब ये मुझे नहीं बोलना है कि सर कलर मिला, ऐसे नहीं बोलना है। कहाँ रख देना है कलर? ऐसे चीज मिले तो कहाँ? नहीं, वहां नहीं। किसमें रखना है? इसमें रख दो उसको। अभी पहले सुन लो, इसमें रखना यानी किसी की कोई चीज खो जाती है तो कहाँ रखनी है? चलो समझ गया। मान लो ये मेरी पेन है, मेरी पेन मेरे खिस्से से, मैं कुछ काम करता हूं वहां और ऐसे मैंने भूल से यहां रख दी और फिर मैं भूल गया, अरे मेरी पेन तो खो गई, अब मैं कहां से लाऊ मेरी पेन? मैं ढूंढता फिरू कहां जाऊं, मेरी पेन खो गई। तुम में से किसी को पेन मिल गई, वो यहां है, तो तुम्हें क्या करना है? लाकर मुझे देना है, ऐसे नहीं करना है। कहां रख देना है? ये खोया पाया के डब्बे में। अब मैं क्या करूंगा, मैं जब भी क्लास में आऊंगा, अरे मेरी पेन, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे यहां आऊंगा, मैं देखूंगा इसमें मेरी पेन है, हाँ इसमें तो है, तो मैं मेरी पेन लेके वापिस रख दूंगा, ये मेरी पेन है। तो मेरी पेन खो गई थी, वो मैंने इससे पा ली, यानी खोया पाया, पाया यानी मिलना, मेरी खो गई चीज मुझे मिल गई, वो खोया पाया, समझे? तो अब कोई भी चीज मिले तो तुम्हें क्या करना है, किसमें रखना है? खोया पाया में। किसमें रखना है? खोया पाया में। कौन समझ गया? थोड़ी थोड़ी देर वारे घड़ी मेरे पास नहीं आना है, मेरे पास मत आना, सर मुझे ये मिला, सर मुझे वो मिला, सर मेरे पास ये है वो है, ऐसे नहीं बोलना है। क्या करना है? उसमें रख देना। और इसमें से कोई भी चीज तुम्हें लेना हो वापिस तो मुझे पूछ के लेना है। जैसे कि अभी मैंने कलर कराए थे, तो कलर करते समय किसी के पास हरा रंग है नहीं, तो खोया पाया में आकर तुमने देखा, अरे इसमें तो हरा रंग है, तो अगर आपको ये हरा रंग चाहिए तो आपको मुझे पूछना है कि सर वो खोया पाया के डिब्बे में हरा रंग है, क्या मैं लू? मैं बोलूंगा हाँ ले लो। तो आपको क्या करना है? ये कलर लेकर फिर कलर करना है, फिर वापिस ये कलर कहाँ रख देना है? तो ये कलर फिर जिसका होगा वो ले लेगा, मुझे पूछ के लेना है। चलो किसको समझ में आ गया? पक्का? ये खोया पाया है आज का, समझ गए? अब से तुम बाहर मैदान में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी चीज मिले तो तुम्हें इससे इसमें रख देनी है, ठीक है? तो कल हमने सबसे पहले पढ़े थे नौ, बराबर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मा, बराबर। उसके बाद क्या पढ़ा था? ग। और उसके बाद क्या पढ़ा था? ज। ठीक है, तो चलिए अब हम ये चार अक्षरों से कुछ नए शब्द बनाते हैं। अब पढ़ाई चालू होती है, ठीक है? चलिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा है वो पढ़िएगा, ठीक है? क्या लिखा है? नम। न और म दोनों लिखा है, बराबर देखिए, न और म दोनों लिखा है।
लेकिन दोनों बेगे बेगे है, दोनों साथ में है। जब दोनों साथ में होते हैं तो पढ़ते हैं नम नम नम। अब पढ़िए, बहुत अच्छा। देखिए अलीजा ने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा अलीजा, खड़े होकर बोलो तो। मन ऐसे नहीं करना है बेटा, लाइन से रखो, बैठो बेटा घर से ही। बेटा तुम संडास करके आओ, झाझरू करके आओ यहाँ बेटा, अपने झाझरू करने अपने यहाँ बने त्या सुधी नहीं जवान, यानी हो सके तो नहीं जाना यहाँ, ठीक है। और जाओ तो पानी वानी डाल दिया करो बाहर से, बेटा ले जाना है पानी हो, और हो सके बेटा घर से करके आया करो। और जब भी बाहर भेजू तब पेशाब करके आना है, पेशाब करके पानी पी के नहीं आना है, वारे घड़ी में नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो चलिए, हमने कल जो पढ़ा था वो न म ग ज, उसमें से हम नए नए शब्द बना रहे हैं। न से नम, ऐसे पढ़ा नम, और फिर ये है अलीजा पढ़ती थी। अलीजा क्या पढ़े तुमने, खड़े होकर बोलो। नहीं, ये क्या है, मन। बहुत अच्छे, ताली बजाओ, बैठ जाओ। नहीं अभी बैठ जाओ, अभी नहीं, अभी तुम गए थे वहां पानी की बोतल रखने, तब भी पिए थे। मन क्या है, मन, मन। बराबर। अब देखिए नए शब्द इसमें से बनाते, अब नए शब्द इसमें से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ये, मान लो ग, और उसके बाद लेता है ये, क्या लिखे, गज, ग ज, गज, गज, गज यानी हाथी होता है, गज का मतलब हाथी होता है। गुजराती में हाथी को गज भी बोलते हैं, गज। देखे ये लिखा ग और ज, दोनों बेगे बेगे है, साथ में है, तो इसको इसको शब्द बोलते हैं, शब्द। तो गज, गज। अब गज के बाद क्या लिखता हूं देखिए, ये पढ़िए। हाँ देखिए, ताली बजाओ वापिस अलीजा के लिए। देखिए वो अच्छे से पढ़ रही है, देखिए बराबर। सबसे पहले क्या लिखा है, ज, फिर लिखा है ग, जग, जग, जग। अब जग का मतलब क्या होता है पता है, ऐसा ऐसा तुमने कभी जग देखा है, देखिए इसके अंदर क्या भरते हैं, इसके अंदर क्या भरते हैं, पानी। तो ये पानी का जग है, देखिए जग, बोलिए बोलिए जग। लेकिन जग के बला जग, जग बोलने से पहले ऐसे बोले, जग ऐसे मत बोलेगा, जग ऐसे नहीं, जग, 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 जग। ये है नम, मन, गज, जग। अब बताओ ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, मग, म और ग, ये पहले लिखा है म, फिर लिखा है ग, दोनों दोनों पास पास में है, भेगे भेगे है, इसलिए इसलिए शब्द है। ये देखे, ये शब्द नहीं है, ये तो बीच में जगह है, बहुत सारी जगह है, ये छुट्टे छुट्टे लिखे, तो ऐसे छुट्टे छुट्टे लिखे हो तो वो शब्द नहीं कहलाता, वो कहलाता है अक्षर, ये अक्षर है, और ये सब शब्द है। शब्द यानी दो अक्षर भेगे हो जाते हैं और कोई एक शब्द बनता है, मग। अब मग का मतलब क्या होता है पता है, मैं बता, मग मैंने बताया, देखा तुम्हारे घर पे मग होगा,
तुम्हारे मम्मी मम्मी को बोलना, मम्मी हमें मग दिखाओ। क्या बोलना है? मग दिखाओ। तो वो तुम्हें मग दिखाएंगे। ये अभी मैंने जो चित्र बताया वो मग का चित्र है। हाँ, मग का चित्र है वो। मग खाने की चीज होती है, ये रहा मग का चित्र, हरे रंग का। वो खाने की, कोई बीमार जब पड़ता है ना, कोई बीमार पड़े ना, कोई बीमार पड़े ना, त्यारे मग खाए। जा जा वापिस आ जाना। हाँ जा, नहीं वो आ जाएगी। आ जाओगे अकेले? क्या किसी को भेजूं? भेजूं? रुको एक मिनट। चलिए मक्का हो गया, बराबर। चलिए अब क्या लिखा है वो पढ़ना, ठीक है? पक्का पढ़ोगे? चलो कोई नया शब्द बनता है, देखिए एक एक शब्द और बनता है। क्या बनता है बताए? मैं पहले ये लिखता हूं ज, फिर मैं ये लिखता हूं जम, जम 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 जम, यानी नहीं खाना खाना। गुजराती में अपने खाना जो खाते हैं ना, उसको बोलते हैं जमवू। क्या कर रहे हो? तो कि मैं खाना खा रहा हूं, तो उसको गुजराती में बोलते हैं जम, खाना खाना, जम जम। हाँ ठीक है, चलिए वापिस से पहले से पढ़ते देखिए। पहला क्या लिखा है? नम। फिर क्या लिखा है? मन, मन मन मन। फिर क्या लिखा है? गज, गज गज गज। और छेले क्या लिखा है? जग, जग 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 जग, माने पानी का जग, ठीक है। अब क्या लिखा है देखिए? मग, मग मग मग। और अब क्या लिखा है? जम, जम, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और एक शब्द लिखाऊं अगर कोई बनता है? हाँ बनता है, गन। तुम देखो बंदूक गन बोलते हैं, पता है? गन देखो यहां लिखा ग और न, गन 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 गन। कैसे लिखते हैं देखिए, पहले लिखना है ग, फिर लिखना है न, गन गन। नहीं गन हो गए। चलो वापिस से पढ़िए पहले से। बेटे अभी किसी ने दफ्तर अगर यहां लगाया तो मैं बहुत मारूंगा। नीचे उतारो दफ्तर, पलाठी लगा के बैठो। चलो अभी पढ़ना है, अभी तो लिखना है। कहां से दफ्तर तुम लगा रहे हो अभी? चलो बे, हाँ पहले से पढ़िए। चलो नम, ये न और म, नम बोलिए। उज्मा, मन मन, इसको क्या पढ़ेंगे? मन मन। अब क्या लिखा है? गज, गज गज माने हाथी, ठीक है। अब क्या लिखा है? जग, जग जग माने पानी का जग। अब क्या है? मग, मग 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 क्या होता है? खाने की चीज। वो हरे रंग का होता है, खाने की चीज होती है, बराबर। आज तुम्हारे मम्मी को बोलना कि तुम्हें मग दिखाए, वो मग के दाने दिखाएंगे, हरे रंग के होते हैं, बराबर। चलो उसके बाद क्या है? जम, जम जम मानी खाना खाना, ठीक है। सभी बच्चे बोलिए गन, गन यानी देखिए आओ है। चलिए अब और कोई एक शब्द बनता है भाई, कोई शब्द बनता है? नहीं बनता है। चलिए एक और शब्द बनता है, लेकिन इतने शब्द काफी है। तो आज का लेसन है ये। हाँ मैं आ गया ना, फोटो पाड़ के तुम्हारे व्हाट्सएप में मैं डाल देता हूं आज का लेसन। तुम्हें ये लिखना है और फिर देख देख के ये लिखना है,
ठीक है, चलिए अभी लिखना शुरू कर दीजिए। रुके बात, हाँ बेंजी बेंजी हेलो, बस इस तरह नाना मारा हार।
ये गीत तुम्हें घर जाकर गाना है, ठीक है? पक्का? चलो मास्क लगा लो, नीचे बैठ जाओ, अपनी बोतल और सब ले लो, सब चीजें बोतल सब चीजें लेकर बैठो। चलिए तुम जिसके मम्मी आई है उसको बुलाकर लाता हूँ, वो घर जाओ, बाकी के नहीं। हाँ और बहनों तुम्हें जे लोग आया मेहरबानी करीन चार वागे जाओ, तुम बहुत जल्दी आ जाते हो, मेरे बच्चे को पढ़ाना है अभी, फिर भी बाकी रहते तुम आ गए तो छोड़ देता हूँ, लेकिन चार बजे ही आओ ना को आप हो सके तो घर से वो संडास करा के भी है। आज उसको शायद जोर से लगी है कि क्या है पता नहीं, लेकिन उसने वहाँ बोलना नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए इससे नहीं बोल रहा, आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन यहाँ अंदर जाके भी उसके वो बच्चों ने मुझे बताया, बड़ी लड़की ने बताया जो थी ना कि उसने वहाँ कर लिया है, तो क्या है पता नहीं, आप हो सके तो बराबर उसको घर पे सुबह तरह के भी देखना है। पानी की अंदर है देख लो, है बोतल हो, अच्छा अच्छा करती है आमना, पढ़ती अच्छा है, उसको सब आता है ये सब, ये सब सिखाती थी, आता है बराबर आता है, अच्छा करती है, थोड़ा पैसा वो उसका संडास का ध्यान रखिए, ठीक है? क्योंकि आज बड़े बड़े लड़की के साथ मैंने भेजा ना, तो उन्होंने आकर बताया कि इसने वो वहाँ कर दिया है ऐसा, फिर कुछ कपड़े वपड़े बिगाड़े, उससे अच्छा है कि आप घर में करा के भेजें, बराबर?